जय जवान, जय किसान, जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। किसान भाइयों, ये जो वीडियो है इसमें एक आपको जानकारी देना मुझे। किसान भाइयों, कल मैंने एक आपको एक नंबर दिया था, वो नंबर यहाँ नीचे भी आपको दिख रहा होगा। देखिए, आप नीचे देखेंगे साइड में तो आपको दिख रहा होगा। भाइयों, मेरा नंबर देने के पीछे दो तीन मुख्य कारण है। उसमें एक कारण ये भी है कि किसान भाइयों से मैं ये चाहता हूँ कि जो किसान भाई अगर मान लीजिए कोई नई खेती कर रहे हैं तो वो कृपया करके मुझसे कांटेक्ट करें और उसमें लिखे मैसेज के माध्यम से। देखिए, कल भी अगर मैंने आपका नंबर दिया मेरा, तो मतलब ये मान लीजिए कल आपको यकीन नहीं होगा, कम से कम 100 से 125 मेरे पास कॉल आ गए कल। और उसके अलावा मतलब 150 के आसपास, 150-125 के आसपास मेरे पे व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सअप ग्रुप जोड़ने के लिए आए हैं। तो देखिए, मैं आपको जोड़ दूंगा, इसलिए मैंने आपको एक चीज़ बोला कि हो सकता है किसी किसान भाई को बुरा भी लगा होगा कि मैंने उनका फ़ोन नहीं उठाया। तो आप ज़रा विचार कीजिए, 100-125 कॉल मैं कैसे उठा पाऊँगा, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़, आप ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो यूट्यूब में कर रहा हूँ या जो मैं वीडियो बनाता हूँ उससे इतनी इनकम नहीं होती जितना किसान भाई सोच पा रहे हैं। इसके लिए मुझे दूसरा काम भी करना पड़ता है, मेरी कोचिंग क्लासेस भी है तो वो भी मुझे रन करनी पड़ती है, तो उस चीज़ का भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है। इस कारण मैं कहीं ना कहीं आपका फ़ोन नहीं उठा पाया हूँ। अब मैं आपसे एक विनती कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ किसान भाई, हाथ जोड़ के मैं आपसे, कि देखिए, आप अगर ये प्रश्न पूछेंगे कि आज क्या भाव गया, या फिर आप ये पूछेंगे आगे क्या होने वाला है, या ये इस तरह का प्याज है या इस तरह की वो कैसे जा सकता है मेरा, तो देखिए आप खुद सोचिए कैसे पॉसिबल है इतने जो फ़ोन आएंगे या फिर इतने मैसेज आएंगे उनका जवाब देना। आप बुरा ना माने, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ हमने दो तीन वजह के कारण कहीं ना कहीं नंबर दिए मैंने। उसमें एक मुख्य वजह ये भी है कि हम किसान भाइयों से जुड़ना चाहते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि अगर कोई किसान भाई है जो अगर कोई नई खेती कर रहा है या कोई ऐसी चीज़ जो वो अपना रहा है जिससे बाकी किसान भाइयों को भी कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा हो सके, तो हम उससे जुड़ेंगे, उससे बात करेंगे और होगा तो उसके फील्ड में भी जाएंगे। अभी आपने देखा होगा, बीच में मैंने एक वीडियो में बोला भी था कि मैं अब धीरे धीरे किसान भाइयों से ग्राउंड लेवल पर जाकर भी उनसे मिलूँगा, उनके वहाँ जाऊँगा और उनके खेतों पे जाऊँगा, उनके गांव में जाऊँगा, और कोई नई चीज़ अगर है तो हम सभी किसानों के लिए उसको लेके आएंगे। साथ ही साथ और भी मुद्दों के कारण मैंने जोड़ा है कि कभी कभी किसान भाई कहते हैं कि उनको अगर मान लो कोई सूचना देनी हो और एकदम से वीडियो के माध्यम से अगर नहीं देना हो तो व्हाट्सअप के माध्यम से दी जा सकती है। तो मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है, आप नाराज़ ना हो किसी भी चीज़ के लिए कि मैंने आपको फ़ोन नहीं उठाया। आप मेरी जगह रख के देखिए कि अगर आपके पास 150 मैसेजेस या 100-125 कॉल आएंगे तो आप कैसे अटेंड करेंगे। साथ में आपको फैमिली के गुजारे के लिए कहीं ना कहीं आपको दूसरी चीज़ें जो आपका टीचिंग प्रोफेशन है मेरा पढ़ाने का, मुझे वो भी देखना है। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसे कतई उल्टा ना समझे कि मैंने आपका फ़ोन नहीं उठाया। देखिए, दो चार चीज़ें हैं, मुझे भी अपना घर कहीं ना कहीं चलाना पड़ता है, अब इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। और मैं चाहता हूँ कि ये नंबर देने के बाद इसका हम लोग सही उपयोग कर पाएँ। अगर सिर्फ इस बात के लिए कि आज क्या भाव गया या ये क्या भाव जाएगा, ये तमाम तरह की बातें मेरी वीडियो में आपको मिल रही है किसान भाइयों, और मैं आपको कहीं ना कहीं वीडियो के माध्यम से जानकारी दे भी रहा हूँ। तो मेरा आपसे यही गुजारिश है, निवेदन है कि हाँ, अगर और कोई ऐसी कोई स्पेशल आपको बात करनी है या मैं यूँ कहूँ कि कोई अन्य जानकारी देनी है, तो आप व्हाट्सअप के माध्यम से मुझे भेज दीजिएगा। तो कि व्हाट्सअप में अगर मैंने देखा हाँ ये इस बारे में मुद्दे पे बात है और उसको मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी किसानों के लिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये अगर सभी किसानों के लिए फ़ायदे वाली बात है तो ज़रूर हम लोग उस पर आपको कॉल करके बात करेंगे, ताकि उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, कब प्रोग्राम कर सकते हैं, उस चीज़ से क्या किसानों को फ़ायदा हो सकता है, वो तमाम तरह की चीज़ें। और साथ ही साथ अगर मेरे वीडियो और भी कोई सोशल मीडिया की या फिर और भी कोई कंपनी के देख रहे हैं तो मेरा उनसे भी गुजारिश है, अगर किसानों से रिलेटेड अगर कोई आपके पास प्रोडक्ट है तो आप वो भी बता सकते हैं, तो उनका भी हम लोग कहीं ना कहीं किसानों को जागरूकता के रूप में बताएंगे और उनको उनके सामने लेके जाएंगे। या सीधी सी भाषा में बात करूँ, मुझे पता है कि आप कुछ किसान उल्टा बोलेंगे, कुछ 2-4-5, लेकिन बड़े सिंपल सी भाषा के साथ बोल रहा हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ कि प्रमोशन या फिर अगर एडवर्टाइजमेंट करना है तो वो भी मैं करने वाला हूँ, लेकिन आम तरह की चीज़ें, ताकि कहीं ना कहीं मैं आपके साथ लंबे समय तक जुड़ा रहूँ। देखिए, अगर आप सभी जानते हैं, अगर आपके परिवार में अगर इनकम का सोर्स नहीं होता है, अगर आय नहीं होती है, तो फिर कहीं ना कहीं आप उन कामों को छोड़ने लग जाते हैं जिनसे आपको कोई ऐसा इनकम सोर्स स्रोत नहीं मिल रहा। और मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं आपसे जुड़ा, जब मैं मंडी के माध्यम से आपसे जुड़ा, तो अब मेरा पूरा दिमाग ही अब यही चल रहा है कि जो बीच की मैं क्लासें लेता हूँ सुबह में भी MPPSC या फिर जो तमाम अलग अलग
जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी होती है मैं उनको बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो अब मेरा दिमाग चल रहा है कि मैं एक ही जगह स्टिक होने वाला हूँ और वो मंडी में, और उसके बाद अपनी जो कोचिंग क्लास है वहाँ मैं चला जाया करूँ, ताकि ये जो बीच का समय जो मैं जितनी इनकम यहाँ से निकाल पा रहा हूँ कम से कम वहाँ से थोड़ी बहुत निकाल करके दोनों का बैलेंस हो जाए, ताकि मेरा घर का गुजारा भी चलता रहे और मैं जो लगातार आपको सेवाएं देना चाहता हूँ, लगातार किसानों से जुड़ना चाहता हूँ, वो भी लगातार मेरा चलता रहे। तो इसमें कोई अन्यथा गलत अर्थ न निकाले, आपको भाव मिलते रहेंगे। और अभी आपको थोड़ी देर बाद प्याज का और आज लहसुन का भाव मिलेगा, और आज आलू का हो सकता है नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं अभी क्लास में हूँ, थोड़ा लेट हो गया हूँ क्लास में, तो आज हो सकता है कि आलू के आपको वीडियो नहीं मिल पाए। बस मेरा आपसे एक ही हाथ जोड़ के निवेदन है किसान भाइयों कि ये सब कुछ जो है चीज़ें, देखिए मैं डायरेक्ट अगर वो नंबर वहाँ पर बीच में मैं नंबर नहीं देने वाला था, पर तमाम किसान भाई मुझसे डेली मिलते थे मंडी में और मुझसे नंबर मांगते थे। अभी मैं जब बाहर गया तब भी मुझसे नंबर मांगे उन्होंने, तो फिर एक अंदर से आवाज़ आई कि नहीं यार नंबर अब लेना पड़ेगा और नंबर देने पड़ेंगे। चाहे देखिए सबका रिस्पॉन्स न कर पाऊँ, मुझे पता है इतना संभव नहीं है, आप खुद भी जानते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा। और हाँ व्हाट्सअप ग्रुप अभी जल्द मतलब ये संडे तक आपका, आप सिर्फ मैसेज कर दीजिए मेरे को कि आपका नाम क्या है और आप कौन से गांव से हैं, संडे तक एक व्हाट्सअप ग्रुप तैयार हो जाएगा सभी किसान भाइयों का और उसमें मैं आपको जोड़ दूंगा, या हो सकता है ब्रॉडकास्ट ग्रुप की तरह जोड़ दूँ, किसी भी माध्यम से आपको जोड़ दूंगा, ताकि कहीं ना कहीं हम आपस में जुड़ें और कोई ऐसी कोई अचानक से कोई इन्फॉर्मेशन आए तो आपको उस व्हाट्सअप के माध्यम से दे पाऊँ, या फिर किसान भाई वो मुझसे जुड़ सके जो कोई नई चीज़ कर रहे हैं ताकि उसके वहाँ जा पाएँ हम लोग, या किसी भी व्यक्ति को अगर कोई प्रमोशन वाली बात करनी तो वो करके मेरा ध्यान मैं पूरी तरह मंडी में और आपकी सेवा के लिए लगा पाऊँ। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर इनकम नहीं होती है, आय नहीं होती है, देखिए आप भी अगर खेती कर रहे हो और उसमें अगर फसल नहीं होगी, पैसा नहीं आएगा, तो आपका भी दिमाग खराब होता है कि नहीं होता है। तो मैं भी इंसान हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि बीच में मैं दो लेक्चर में अब आपको बता दूँ, दो लेक्चर में जो बच्चे MPBSC या फिर गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके भी लेता हूँ। तो मेरा प्लान ये चल रहा है एक आध महीने के अंदर अंदर ये बीच के मैं बंद करके इसमें से मेरे को जो इनकम होती है मैं सोच रहा हूँ वहाँ से थोड़ा बहुत मुझे हो जाए, तो फिर मैं वही ध्यान लगाऊंगा मंडी में, और उसके अलावा अपनी कोचिंग क्लास शाम को जो मेरी कोचिंग क्लास 4 बजे लगती है मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, जिससे कि ये होशपोश नहीं होगा कि मैं उधर से इधर भाग रहा हूँ, उधर भी सही तरीके से काम नहीं कर पाऊँ, यहाँ पर भी इनको सही तरीके से काम नहीं कर पाऊँ, तो वो फिर उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो ये तमाम तरह की चीज़ें थी जो मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा है, स्पष्ट रूप से बोला है, बिल्कुल भी नाराज़ ना हो। और इतना जो कॉल आ रहे थे उनका आंसर देना मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा। बस आप मैसेज डाल दीजिए कि आप क्या चाहते हैं, अगर वो ऐसा लगता है कि सभी किसानों के लिए है तो बिल्कुल मैं आपसे कॉन्टेक्ट करूँगा, और बाकी व्हाट्सअप के माध्यम से हमारी बात होती रहेगी, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। चलिए आगे आपको भाव मिलने वाले हैं प्याज के और लहसुन के भी, और आज हो सकता है आलू का नहीं मिल पाएगा अभी क्योंकि मैं क्लास में, अभी इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, कल से वापस मिल जाएगा आपको। चलिए जय जवान जय किसान जय बलराम।